दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों आज की बड़ी खबर में देखिए, बिहार में प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में 3,38,000 पद है खाली, जल्द होगी बहाली, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। याद कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गुरुवार को झंझारपुर में कहा कि शिक्षक नियोजन की छोटी इकाइयों को बंद कर केंद्रीकृत करने पर विभाग गंभीर है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव किए जा रहे हैं, पुराने नियोजन नीति ने बिहार शिक्षा के प्रयास को कमजोर किया था, उसे दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में 3,38,000 रिक्तियां है जिसे क्रम अनुसार नियोजित करने का काम किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रोजगार के प्रति काफी गंभीर है, नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, बची रिक्तियों पर बहाली की जा रही है, कुछ समय तो लगेगा ही। उन्होंने बताया कि शिक्षा दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कुल बजट का शिक्षा पर होने वाले खर्च को 21 से बढ़ाकर 25% कर दिया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में निकाय चुनाव पर सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, चुनाव पर ग्रहण और गहराया। जहाँ देखिए बिहार में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 1 दिसंबर को नया आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से निकाय चुनाव पर संकट और गहरा गया है। वहीं बिहार सरकार के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के मामले में फंस सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने कल बिहार में निकाय चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका में नया आदेश जारी किया है। वहीं कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में सुधार किया है। दरअसल कोर्ट ने 28 नवंबर को जो आदेश जारी किया था उसमें कहा था कि इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन यानी समर्पित आयोग नहीं माना जा सकता है, इसको लेकर भ्रम की स्थिति थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है, इसमें साफ किया गया कि वह इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास कमीशन नहीं बल्कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश में कहा गया कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जाएगा, यानी बिहार का अति पिछड़ा वर्ग आयोग डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। वही बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नए साल में बल्ले बल्ले इस विभाग में 15,000 पदों पर होगी बहाली। जहाँ देखिए बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है, राज्य में कृषि विभाग के रिक्त 15,000 पदों पर बहाली होगी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मार्च 2023 तक बहाली कर जाएगी। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों की सूचना बीपीएससी और क्लर्क ए उससे नीचे के पदों की जानकारी एसएससी को दे दी गई है। वही कुमार सर्वजीत ने कहा कि जनवरी से लेकर फरवरी तक एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे और विभाग को मैन और सौंप दिया जाएगा। वैद्य के मंत्री के मुताबिक राज्य सरकार नौकरी के साथ साथ लोगों को रोजगार देने की तैयारी भी कर रही है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में कृषि विभाग के हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, इन जमीनों को प्राइवेट एजेंसियों को लीज पर देने की तैयारी चल रही है। एजेंसियां इन जमीन पर गेहूं, मकई, धान, सरसों आदि के बीज तैयार करेंगे, साथ यहां सब्जी और फलों के पौधे भी लगाए जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर टॉपर होंगे सम्मानित, इन विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप और नगद पुरस्कार। याद कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटर और मैट्रिक 2022 की मेगा सूची में शामिल विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। वह समारोह में मैट्रिक के टॉप 10 और इंटर के टॉप 5 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें मैट्रिक के और इंटर के कुल 76 विद्यार्थी शामिल है। इंटर के तीनों संकाय के अलग अलग टॉप 5 को सम्मानित किया जाएगा। इसमें विज्ञान के 13, कला संकाय के 6 और वाणिज्य के 10 विद्यार्थी शामिल है। वही मैट्रिक में टॉप 10 में 47 विद्यार्थी शामिल है। समारोह में शिक्षा विभाग के मंत्री व अपर मुख्य सचिव बिहार विद्यालय परिषद समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इसमें इंटर के तीनों संकाय के मैट्रिक के प्रथम स्थान प्राप्त छात्रों को 1,00,000 रूपए, द्वितीय स्थान प्राप्त को 75,000 रूपए और तृतीय स्थान प्राप्त छात्र को 50,000 रूपए दिए जाएंगे। साथ ही मेगा सूची में शामिल सभी बच्चों को 1-1 लैपटॉप, किंडल और ई बुक रीडर, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वही मैट्रिक में चौथे से दसवें स्थान तक प्राप्त छात्रों को 10,000 रुपए, प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 15 जिलों में गिरा पारा, गया का पारा गिरकर 10.8 पहुंचा सिवान, बक्सर, बेगूसराय सबसे अधिक प्रदूषित शहर। यह देखिए मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल पूरे बिहार की बात करें तो यहां अलग अलग शहरों के न्यूनतम तापमान में 9 डिग्री से लेकर 14 डिग्री के बीच रहा है। वही देखिए बिहार में ठंड का असर और भी अधिक होने वाला है, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो गया जिला सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले भागलपुर जिले का सबौर जिला सबसे ठंडा क्षेत्र बना था, जहां 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। साथ ही देखिए आपको बता दें कि पटना में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण के मामले में देश के 6 टॉप शहरों में बिहार के सिवान, बक्सर, बेगूसराय और छपरा शामिल है। पटना की स्थिति भी गंभीर है। सिवान का इक्वाई लेवल 460 और पटना का 395 रहा। हालत ये बन गई है कि अब सड़क पर निकलने से आंखों में जलन महसूस हो रही है। सबसे अधिक प्रदूषित हवा राजा बाजार इलाके की है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि सड़क पर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं। बड़ी खबर देखिए, पटना की बेटी ने गांव से निकलकर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में बढ़ाया देश का मान, जीते 6 स्वर्ण पदक। देखिए पटना की बेटी कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। सब जूनियर 57 किलोग्राम भार 3 इवेंट में कृति ने जीत का परचम लहराया। न्यूजीलैंड से नई दिल्ली पहुंचने पर फोन पर कृति ने बताया कि रोड बैंड प्रेस में 1 स्वर्ण, इफ्टियम प्रेस बेंच में 1 स्वर्ण और होल पावर लिफ्टिंग में 95 किलोग्राम भार उठाकर 4 स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। वहीं कृति राज ने बताया कि वह पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड के बड़ा हसनपुर गांव की रहने वाली है। उनके पिता ललन सिंह यादव साधारण किसान है। बड़ी खबर देखिए, सीबीएसई 12वीं परीक्षा 13 व 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से। देखिए सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की 2023 बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल और तिथि जारी हो गया है। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक चलेगी, वहीं 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होगी और 31 मार्च तक चलेगी। कोरोना के बाद इस बार परीक्षा समय पर ली जाएगी। हर दिन परीक्षा एक पाले में परीक्षा ली जाएगी। 10वीं की परीक्षा 2 घंटे की होगी, वहीं 12वीं की परीक्षा हर दिन 3 घंटे की ली जाएगी। वहीं छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बिहार कुल 15,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म भरा है। वही 10वीं में 10,000 व 12वीं में 5,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बड़ी खबर देखिए, अब हवाई अड्डे पर अब चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। जी हाँ, देखिए अगर आप दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डे से कोई उड़ान पकड़ना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आप बोर्डिंग पास के बिना ही इन हवाई अड्डों से यात्रा कर सकेंगे। आपका चेहरा ही आपके बोर्डिंग पास के रूप में काम करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने गुरुवार को इसके लिए डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। डीजी यात्रा के साथ हवाई अड्डों में सुरक्षा जांच क्षेत्रों सहित विभिन्न चेक पॉइंट पर चेहरों की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्री डेटा को स्वचालित रूप से अपडेट किया जा सकेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीजी यात्रा फाउंडेशन को नोडल निकाय बनाया गया है। 15 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा का ट्रायल किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि अगले वर्ष मार्च तक हैदराबाद, पुणे, विजयवाड़ा और कोलकाता के हवाई अड्डों पर भी डीजी यात्रा का उपयोग किया जाएगा। यह सुविधा घरेलू उड़ानों के यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए है। देखिए बिहार पुलिस में जल्द ड्राइवर के पदों पर होगी बहाली, गृह विभाग ने मांगा प्रस्ताव। देखिए बिहार पुलिस में जल्द सभी श्रेणी के वाहन चालकों यानी ड्राइवर की भर्ती होगी। गृह विभाग ने चालक, सिपाही, वायरलेस चालक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के चालक के पदों की नियुक्ति को लेकर पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश भी दे दिया गया है। मुख्यालय को ड्राइवर के नियुक्ति के पद के सृजन और रोस्टर की कार्रवाई पूरी करने को भी कहा गया है। खबर में देखिए, सीबीएसई का बड़ा निर्णय, अब 3 साल तक के बच्चों के ही नर्सरी में होगा एडमिशन। देखिए सीबीएसई अब अपने से संबंधित सभी स्कूलों में नर्सरी में बच्चों का नामांकन लेने की नियमावली में बदलाव की तैयारी में है। अब नई सत्र 2024 में नर्सरी नामांकन प्रक्रिया को बदल दिया जाएगा। इसके तहत अब नर्सरी में 3 साल तक के बच्चों का ही नामांकन होगा, उससे अधिक आयु के बच्चों का नामांकन नर्सरी में नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में अधिकतर सीबीएसई स्कूल में 3.5 साल से 4.5 साल वर्ष तक की उम्र सीमा वाले बच्चों का नामांकन नर्सरी में होता है, लेकिन अब 2024 में इसमें बदलाव किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह बदलाव सीबीएसई स्कूलों में करने की तैयारी है। साथ ही आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत अब सीबीएसई स्कूलों में कक्षाओं को 4 भाग में संचालित होगी। पहली नर्सरी से कक्षा 2 तक रहेगा, वहीं द्वितीय स्टेज में कक्षा 3 से 5वीं कक्षा तक रहेगा। इसमें बच्चे की उम्र 8 से 11 वर्ष तक होगी। तृतीय स्टेज में 6ठी से 8वीं तक होगा, वहीं चौथे स्टेज में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं होगी। बोर्ड की माने तो अभी 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड होगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 8,000 शिक्षकों के नौकरी पर लटकी तलवार, सरकार देगी आखिरी मौका। जब देखिए बिहार में सरकारी स्कूल के कारनामे लगातार सामने आती है, खासकर नियोजित शिक्षकों की योग्यता को लेकर हमेशा बवाल होता है। वे वही शिक्षक है जो क्लासरूम में या तो खर्राटा मारते पकड़े जाते हैं या फिर जांच करने आए अधिकारियों के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन अब इनके नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। राज्य के ऐसे 8,000 शिक्षक शामिल है जिन्हें खुद को साबित करने के लिए सरकार लास्ट चांस देने जा रही है। आपको बता दें कि इन्हें
सभी 8000 शिक्षकों से शिक्षक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। इस एग्जाम के आधार पर ही उनकी नौकरी पर फैसला लिया जाएगा। अगर वे परीक्षा को पास कर लेते हैं तो वे अपनी नौकरी कर सकेंगे, लेकिन परीक्षा क्वालिफाई नहीं करने वाले शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। 3000 शिक्षकों से पहले ही परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन ये सभी फेल हो गए हैं। 5000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने दक्षता परीक्षा से दूरी बना ली है, यानी 5000 शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। देखिए, राज्यों में फिर से बालू का संकट पैदा होगा, सरकार का अलर्ट मैसेज, अगले महीने रुकेगा खनन। या देखिए, बिहार में अगले महीने एक बार फिर से बालू का संकट पैदा होने जा रहा है। बिहार में बालू का खनन अगले महीने 25 दिसंबर के बाद नहीं होगा। बालू खनन पर रोक हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के तहत लगाई जा रही है और इसे लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट मैसेज भी जारी कर दिया गया है। भाई देखिए, अलर्ट मैसेज प्राइवेट बिल्डर्स और आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि सरकार ने अपने अलग अलग विभागों को संदेश भेजा है कि अगले महीने बालू खनन का काम बिहार में बंद हो जाएगा। बिहार में 26 दिसंबर के बाद बालू खनन पर रोक से जुड़ी जानकारी राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से दी गई है। पाठ्यक्रम में देखिए, बिहार के छात्रों को मोबाइल पर मिलेगी किताबें, वीडियो देखकर परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे विद्यार्थी। जी हां देखिए, बिहार के छात्र अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ई लॉर्ड्स ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र अपने सिलेबस से जुड़ी किताबें एवं अन्य पाठ्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक इस ऐप से मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी करने वाले 15 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में प्रति वर्ष लगभग 30 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा देते हैं। ऐसे में ई लॉर्ड्स ऐप छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी में काफी मददगार साबित हो सकता है। देखिए, अब राज्य में घर घर जाकर होगा मजदूरों का निबंधन। या देखिए, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि भवन निर्माण से जुड़े कामगारों का निबंधन डोर टू डोर जाकर करें। वहीं उन्होंने कहा कि मकान मरम्मत में जिन निबंधन श्रमिकों के पास जमीन नहीं है, रसीद नहीं है, वहां वंशावली के माध्यम से उन्हें राशि दी जाए। वहीं देखिए, श्रम अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि भवन निर्माण कामगार मजदूर का निबंधन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खुद करे। शेष के मामले कहा कि श्रम संसाधन विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना आवश्यक है, अन्यथा उसे अवैध माना जाएगा। यदि 1% की राशि शेष के रूप में निर्माणकर्ता भुगतान नहीं करते हैं तो 1% जुर्माना जोड़कर राशि वसूल की जाएगी, साथ ही पैसा नहीं देने पर केस दायर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।